जाकर देना वोट उसी को जो है इसका उचित हकदार। आपके हित के लिए मिला आपको मतदान का अधिकार। नमस्कार न्यूज इंडिया, आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। राज बदलेगा या रिवाज, निदा? बिल्कुल, और मैं आपके साथ निदा अहमद। दरअसल हिमाचल में विधानसभा के लिए अभी से बस थोड़ा सा वक्त जो है वो बचा है, और बस कुछ ही मिनटों का पल, हम कहेंगे कुछ ही देर में यहाँ पर बस शुरुआत जो है वो हो रही है। और देखिए आ गई वो खबर, हिमाचल में विधानसभा के लिए वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, और विधानसभा की 68 सीटों पर वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। 68 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जो है वो हो रही है, और ऐसे में सागर 412 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी किस्मत का आज फैसला होना है। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे लोग घरों से बाहर निकलकर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं अपने अपने बूथ पर, और अब आज 412 प्रत्याशी की किस्मत का फैसला होने जा रहा है, और 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। फिलहाल देखिए आप लंबी लंबी कतारें जो है वो महिलाओं पुरुषों के दिख रही है मतदान केंद्रों के बाहर। बिल्कुल, ये लंबी कतारें नहीं, आज के दिन कई आप ऐसी दुर्लभ तस्वीरें भी देखेंगे लोकतंत्र की उस ताकत की, जो लोग मिसाल पेश करेंगे, जो जाएंगे अपने नेता को चुनने के लिए, वोट डालने के लिए। 68 सीटों पर वोटिंग, न्यूज इंडिया पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएगा, चप्पे चप्पे की अपडेट हम आपको देंगे कि आखिर कहां पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। 45 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, 20 सीटों पर कांग्रेस, लेकिन इस बार रिवाज क्या बदलेगा जो लगातार सदियों से चला आ रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, लेकिन इस बार देखना बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि तीन दिग्गज पार्टियां इस बार आम आदमी पार्टी की भी चुनावी मैदान में एंट्री, कई जगहों पर चुनाव इस भी और भी ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। निदा, बिल्कुल सही कहा आपने, और देखिए दरअसल यहाँ पर हम जिक्र जब कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश का, तो 1985 के बाद से अभी तक कोई भी सरकार जो है वो रिपीट नहीं हुई है। फिलहाल दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जिनमें दिखाने की कोशिश करें कि कैसे लोग जो है वो लंबी कतारों के साथ सुबह सुबह अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच गए। और देखिए हिमाचल विधानसभा चुनाव 68 सीटों पर आज मतदान जो है वो जारी है, शुरुआत हो चुकी है वोटिंग की, और साथ ही साथ आपको बता देंगे 53,88,389 मतदाता अपने वोट का आज इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा इनमें हम क्या करें पुरुष और महिला मतदाता की, तो 27,23,840 पुरुष मतदाता है यहाँ पर। इसके अलावा 1,93,000 मतदाता ऐसे हैं जो आज पहली बार वोट डालेंगे, पहली बार अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। तो 412 प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो आज फैसला करेगी कि अब कौन सत्ता पर काबिज रहेगा। 8 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो तय हो जाएगा कि आखिर फिर से हिमाचल किसका है, या फिर हिमाचल के सत्ता पर कौन काबिज रहेगा। फिलहाल 68 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 53,88,389 मतदाता आज अपने वोट का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे सागर। तो बिल्कुल 56 लाख ऐसे वोटर हैं जो आज वोट डालेंगे, ईवीएम में कैद करेंगे अपने चहेते नेताओं की किस्मत, जो आगे करेगा भविष्य का फैसला हिमाचल के लिए और बागडोर होगी उसके हाथों में। 68 विधानसभा सीटें, 412 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, पीएम नरेंद्र मोदी, प्रियंका गांधी, प्रतिभा सिंह, जयराम ठाकुर, तमाम ये दिग्गज चेहरे, अनुराग ठाकुर भी इस लगे रहे चुनावी कैंपेन में, मिशन में कि कैसे अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जाए। लेकिन सवाल यही लोगों के जहन में कि मिशन अपना मतदान डालेंगे तो उसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। देखिए हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और लोग सच्चाई के साथ चलते हैं, तो लोगों ने काफी मर्तबा बीजेपी को भी मौका दिया सरकार बनाने का, उनकी सरकारें भी हिमाचल प्रदेश में बनी, पर जहां तक डेवलपमेंट की बात है और विकास की बात है वो ज्यादा उनका सहयोग यहां के लिए नहीं मिला। अब तो वो ये कह रहे हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र से भी हमारे को सहयोग मिलता है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, तो इस करके वो हर वोटर के पास जाकर इस बात को कह रहे हैं। और बड़े बड़े नेता, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे अन्य नेता हो, उन्होंने भी आकर इस डबल इंजन की बात यहाँ पर की है। पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हिमाचल प्रदेश की जनता सच्ची पक्के लोग हैं और वो हिमाचल प्रदेश में इस बार कांग्रेस को अपना वोट देंगे, कांग्रेस को जिताएंगे, कांग्रेस की सरकार बनाने में सहयोग देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिले, ये बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगे, ये कुछ इश्यूज है। और लोग चाहते हैं कि हमारा यहाँ हिमाचल प्रदेश का विकास पिछले 5 सालों में ठप पड़ा रहा, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए वो कांग्रेस की सरकार को चाहते हैं। क्या आपको लगता है हिमाचल में एंटी इनकम्बेंसी है अभी? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। जहां तक वोटरों की बात है, वोट लोग अधिकतर यही देखते हैं कि किसने काम किया है और किसको हमने आगे लाना है। आप मतदाताओं को क्या बोलना चाहेंगी आज?
मेरा सभी मतदाताओं से ये हाथ जोड़ कर निवेदन है कि वो अपना मत का सही उपयोग करें और हिमाचल प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए, हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपना कीमती वोट कांग्रेस पार्टी को दें। आखिरी सवाल मैम, तो हमारे साथ अब मेहमानों का जुड़ने का सिलसिला जो है वो भी शुरू हुआ है। बड़ा पैनल लगातार हमारे साथ मौजूद रहेगा। इसके अलावा हिमाचल की सरजमी पर भी आपको लेकर चलेंगे, क्योंकि वहां पर ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहां से लगातार। वो भी आपको चप्पे चप्पे का हाल बताएंगे कि आखिर हिमाचल वासी आज क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले रवि, आप ही का हम रुख करते हैं, उसके बाद मेहमानों के पास जाएंगे। फिलहाल आप वहां पर हिमाचल में मौजूद हैं, कैसी तस्वीर इस वक्त रवि देखने को मिल रही वहां पर? बिल्कुल निदा, देखिए तस्वीरें भी दिखाएंगे और यहाँ की हकीकत से आपको रूबरू भी कराएंगे। इस वक्त हम शिमला के जो बैमलोई मतदान केंद्र है उस पर हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, पर यहाँ ये बात कही जाती है कि पहाड़ों की सुबह जो है थोड़ी देर से होती है, तो इसी वजह से आपको ये पोलिंग बूथ है वो उस पर थोड़ा आपको सन्नाटा नज़र आ रहा होगा। पर देखिए जो पहले मतदाता जो हैं इस पोलिंग बूथ के वो हमारे साथ हैं और दिखा रहे अपने मताधिकारी का जो चिन्ह है वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने मतदान किया है। इनसे बातचीत करते हैं, किन मुद्दों का आप लोग के मन में दिमाग में था जिनको लेकर आप लोग मतदान करने आए, और आखिर आप लोग काफ़ी ज़्यादा जागरूक भी मतदाता है कि सबसे पहले आप लोग सुबह सुबह 8 बजे पहुँचे। सबको मेरा नमस्कार। मुझे ये कहना है कि मुद्दे तो लगभग सबके एक जैसे ही रहते हैं, लेकिन शिमला शहर की सुंदरता, शिमला शहर में पर्यटन, शिमला शहर में सबसे बड़ी बात पार्किंग की जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर और साथ में यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई बेरोजगारी ज़्यादा है, स्थल है तो बेरोजगारी कम है, सबको कुछ ना कुछ कार्य है, लेकिन यहाँ की सुंदरता और पार्किंग जो सबसे बड़ी बात है, इसके ऊपर हम लोग सोच रहे हैं कि अगर जो भी जो आगे जिनको भी हमने अब चुना है कृपया वो आके इन मुद्दों पर ध्यान दें ताकि वो हर समय उन आए, अदरवाइज तो फिर वही चलता रहेगा जैसे होता है। आपको हवा में क्या बह रही है, बदलाव की कोई सुबगाहट है या फिर हवा वैसे ही रहेगी, मौसम वैसा ही रहेगा जो हर वक्त वैसा ही रहेगा? सब शांत है अंदर ही है सबके, जब कुछ है अब वो 8 तारीख जब आएगी उस समय सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि हवा किस तरह की। रवि, आपको हम यहाँ पर रोकना चाहेंगे क्योंकि देखिए वहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सीधी तस्वीर आ रही है, जो इस वक्त अपनी पत्नी के साथ पूजा पाठ करते हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब घर से बाहर निकलेंगे भगवान को याद करके पूजा पाठ करके बहुत अच्छे मन से बहुत अच्छे से निकलेंगे। यहाँ पर फिलहाल सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जयराम ठाकुर की, जो इस वक्त अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर मौजूद है और पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल देखिए हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 44 सीट पर जीत हासिल की थी बीजेपी ने, और वो इस आंकड़े को जाहिर सी बात है कि और ज्यादा बढ़ाना चाहेगी और बढ़ाने के साथ साथ एक बार फिर से यहां पर सत्ता पर काबिज होना चाहेगी। फिलहाल हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आपको आप देख रहे हैं जो अपनी पत्नी के साथ यहां पर पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं, और यहां पर देखिए भगवान की शरण में वो इस वक्त नजर आ रहे हैं क्योंकि अच्छे काम के लिए उनको बाहर निकलना है और लिहाजा ऐसे में भगवान का आशीर्वाद बेहद जरूरी है। और हमारे साथ यहाँ पर सागर बीजेपी नेता आलोक वस्त भी जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। गुड मॉर्निंग नीरज जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आलोक जी। अगर बात करें हम 2017 की, तो ये आंकड़ा 44 था आपका, इस बार कहां पर रुकेंगे? इस बार हम 50 के पार जाएंगे, क्योंकि हमने जो कार्य किए हैं वो अभूतपूर्व कार्य किए हैं हिमाचल में, जो अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया है, और लोगों के अंदर हमारे कार्यों के बदौलत एक जबरदस्त उत्साह है, और जहां कहीं भी हमने अपनी सरकारें बनाई हैं वहां पर अपने कार्यों की बदौलत हम रिपीट हुए हैं, और यहां भी मुझे जनता जनार्दन पर पूरा भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में, जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो कार्य वहां पर संपादित हुए हैं जो बरसों बरसों से लंबित थे, उनकी बदौलत हमें इस बार अभूतपूर्व मेजोरिटी मिलने जा रही है, इसमें कहीं कोई शक शुभा नहीं है। चलिए आलोक जी, देखिए सागर मिश्रा मैं बात कर रहा हूँ स्टूडियो से, इस समय बीजेपी की सरकार हिमाचल में, लेकिन लोगों के जहन में यही सवाल है कि मिशन रिपीट या फिर बदलाव, क्योंकि तस्वीरों में देख पा रहे हैं कई ऐसे दुर्लभ इलाके आज भी हिमाचल के हैं सर, जहाँ पर लोग ट्रॉली के जरिए जा रहे हैं वोट डालने के लिए, लोग कैसे कैसे लोग नदियों को पार करके जा रहे हैं पहाड़ियों के जरिए, क्या आपको नहीं लगता कि हाँ अभी भी और बहुत कुछ बेहतर होना बाकी हिमाचल में? बिल्कुल सागर जी,
मैं आपकी बात से सहमत हूँ, अभी डेवलपमेंट और भी होगा और भी होने की संभावना, प्रबल संभावना है, लेकिन हम लोग कटिबद्ध हैं। इतना प्रोग्रेस जो हमें समय मिला उसमें जिस तरीके की रोशनी हमने दिखाई उससे एक आशा की किरण जगी है वहाँ के लोगों में, और ये विश्वास जगा है कि ये सरकार काम करने वाली सरकार है, ये बात बनाने वाली सरकार नहीं है। और जिन जिन चीजों को हमने वहां दिया है वो सब एक दिवा स्वप्न था वहां के लोगों के लिए, लेकिन हमने उसको धरती पर लाकर साकार किया और इसके बदौलत हम लोगों के पास गए और लोगों से हमें पूरी उम्मीद है कि हमें दोबारा वहां पर शासन करने के लिए जनादेश मिलेगा। ठीक है, आप लोगों का जिक्र कर रहे हैं आलोक जी यहाँ पर, तो लोगों के साथ मेरे सहयोगी रवि लगातार मौजूद है, उन्हीं लोगों से हाल जान लेते हैं। रवि, बीजेपी जो है वो पूरी पुख्ता तौर पर इस बात से आश्वस्त है कि जीत हमारी होगी। लोगों के बीच हम गए थे, हमने उनसे बातचीत की थी, सबने हमारे ऊपर भरोसा जताया है। क्या हकीकत में आप, क्योंकि इस वक्त वहां पर लोगों के बीच मौजूद है, वहां की जनता आज क्या कह रही? जनता तय करती है, लोकतंत्र। जी रवि, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, जनता आज क्या कह रही है? बस अभी हमने पूजा की और इसके बाद हम करने जाएंगे। आप देख सकते हैं जी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, दोनों बेटियां उनके सर, एक बार विक्री निशान। तो फिलहाल जयराम ठाकुर साहब की पहले तस्वीर आपको हमने दिखाई, अपनी पत्नी के साथ पूजा पाठ करते हुए नजर आए, उसके बाद उनकी दोनों बेटियां देखिए खुशी के साथ अपने माता पिता के साथ यहाँ पर, दोनों बेटियों के साथ जयराम ठाकुर अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ विक्ट्री साइन दिखाते हुए, और अब धीरे धीरे अपने काफिले के साथ वो अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, आगे जाएंगे और अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। सागर, लगातार अपडेट दे रहे हैं। रवि देखिए, 412 उम्मीदवार है चुनावी मैदान में और आम जनता जो है पहुंचने लगी है अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए, ईवीएम मशीन में किस्मत कैद करने के लिए नेताओं का, लोगों का क्या कहना है इस बार, हिमाचल का मिजाज जो है क्या कह रहा है? रवि बिल्कुल देखिए, यहाँ की अगर बात करें तो शिमला शहर की अगर बात करें जहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर जो मतदाता हैं उनकी जो बड़ी मांग है वो पार्किंग की समस्या एक बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, और महंगाई एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा उसका भी यहाँ पर जिक्र आम जनता कर रही है। इनसे जानते महंगाई, पार्किंग और भी कई मुद्दे हैं। मुद्दे सबसे पहले तो महंगाई का ही है जो आम जनता है, हर चीज़ तो डबल ट्रिपल होगी, जब से आए सरकार बीजेपी की आई थी तो मोदी जी के तो वादे थे जो बड़े बड़े थे, तो वो तो कुछ हो नहीं पाया, अभी हमने उसको उतर के कुछ अलग सा करने की कोशिश कर रखी है जो वोट किए हमने, और महंगाई के ऊपर ही है ज़्यादा तक हमारा जो, तो ये माना जाए कि बदलाव के लिए जो है हिमाचल प्रदेश शिमला वोट कर रहा है। जरूरी है, बहुत जरूरी है बदलाव के लिए, बहुत जरूरी। और सरकार किसके फिर देखना, आने वाला टाइम कौन बनाते हैं, मतलब मन में नाराजगी है महंगाई को लेकर, स्थानीय मुद्दों को लेकर नाराजगी है मन में, मन में तो है थोड़ी सी महंगाई, और मीन तो वही है हर किसी को। लेकिन रवि जल्दी से एक बार ये बता दीजिएगा कि पोलिंग बूथों पर क्या बदलाव आप देख पा रहे हैं पिछले साल की अपेक्षा, सन 2017 की अपेक्षा, इस बार क्या क्या बदलाव, कितनी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई है इस बार? बिल्कुल देखिए सागर, अगर सुरक्षा की बात करें और तमाम एहतियातों की अगर बात करें, तो देखिए ये शिमला का पोलिंग बूथ है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, हालांकि अभी सुबह का वक्त है, 8 बजा है और पहाड़ों की सुबह जो है थोड़ी लेट से होती है, इसी वजह से यहाँ पर आपको चहल पहल ज़्यादा नज़र नहीं आ रही होगी। 4-5 वोटर्स जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और अपना मताधिकार का प्रयोग किया है, तो ये पोलिंग बूथ है और इसके अंदर सुरक्षाकर्मी भी मौजूद हैं, और आपको ये सड़कें दिखाते हैं, ये देखिए कितनी संकरी यहाँ पर जो सड़कें हैं, और जो मतदाता हैं वो आपस में विचार भी कर रहे हैं क्या वोटिंग क्या करना है किसे करना है। दूसरी तरफ आपको जो यहाँ का जो मुद्दा, एक जो तमाम लोग जो जिक्र कर रहे हैं, एक तो पार्किंग का मुद्दा है और सड़कों का मुद्दा है, क्योंकि आप जहाँ भी देखेंगे तो सड़कें आपको टूटी हुई नजर आएगी, हालांकि बहुत मशक्कत करनी पड़ती है सरकार को सड़कों को यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों में दुरुस्त करने के लिए, पर फिर भी उसके बावजूद भी सड़कें आपको इसी तरह की टूटी हुई नजर आएगी। तो इन तमाम चीज़ों से जो है 2000 लगातार यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो हो रहे हैं, और पार्किंग एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो शिमला शहर की अगर बात करें तो पार्किंग का आप जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर रवि, तो मुझे याद आ रहा है क्योंकि अपनी टीम लगातार बार बार जा रही थी और जमीन से जुड़ी हुई तमाम बातें लोगों तक पहुंचा रही थी, पूरे हिमाचल को हमने समझने की कोशिश की थी। इस दौरान मैं खुद हिमाचल गई थी, न्यूज इंडिया
पहुंचा था ग्राउंड जीरो पर, हमने देखा कि एक एक घंटे के हमें 300-300 रुपये देने पड़ रहे थे अपनी गाड़ी के लिए, क्योंकि जहां पर आप खड़े हैं वहां व्यवस्था ऐसी है कि आपकी गाड़ी आगे नहीं जा सकती, आपको पार्किंग में हर हाल में लगाना ही पड़ता है। तो ये कितनी बड़ी समस्या है यहाँ पर इस वक्त, आपने लोगों से बातचीत की? क्योंकि हमने तो फेस किया, बहुत बड़ी समस्या आई है। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी समस्या है और इसी समस्या की वजह से शायद सरकार को नुकसान भी उठाना पड़े, क्योंकि जिस तरह से आपने बात किया, चार्ज जो है पार्किंग के बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं और गलत तरीके से भी वसूली होती है और लोगों को घंटों घंटों पर इंतजार करना पड़ता है, तो ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। छोटा छोटा मुद्दा जो है कभी ये कहा जाए कि एक विकराल रूप लेता है और वही पार्किंग की जो समस्या है एक विकराल रूप शिमला में ले चुकी है। पर पूरे अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो दोनों पार्टियाँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ने अपने अपने मुद्दे रखे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने मुद्दे रखे, भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि उन्होंने कैसा 5 वर्षों में काम किया और आगे उनका क्या रोडमैप रहेगा। बिल्कुल रवि, आप यहाँ पर मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से आलोक वजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी का रुख कर लेते हैं। आलोक जी, मुद्दों की बात हो रही है यहाँ पर, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी को वोट दिलाने में कौन से वो मुद्दे हैं जो सहायक साबित होंगे? देखिए नीरा जी, जो हिमाचल का जीएसडीपी है उसमें 7% इंक्रीमेंट हुआ है और जो एफडीआई फ्लो है वो लगभग 23 मिलियन डॉलर के आसपास यहाँ आया है। तो वहां पर देखिए, हमने आईआईटी भी दिया, उसके बाद वहां पर हमने वंदे एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाई, उसके अलावा हमने वहां पर बल्क ड्रग का पार्क किया, हेल्थ इक्विपमेंट का पार्क किया और आज हिमाचल देश में गुजरात के बाद दूसरा सबसे बड़ा ड्रग मैन्युफैक्चरिंग हब, सिक्किम के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। इन सब चीजों का डेवलपमेंट बहुत दूर की सोच थी जिसको हमने धरातल पर लाके साकार किया है। लेकिन हाँ, अभी और भी समस्याएं हैं जिनको आगे ठीक करना है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हमारी कार्यों की बदौलत, स्कैम फ्री गवर्नमेंट की बदौलत, हम वहां पर अपनी जड़ें बहुत मजबूत कर चुके हैं और इस बार वहां का रिकॉर्ड टूटेगा। तो एक बार था ना, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, ये नहीं होगा, पीछे भी बीजेपी और इस बार भी बीजेपी, ये परंपरा नई वहां पर जरूर स्थापित होगी, ये हम अपने कार्यों के बदौलत, हमें ये पूरा भरोसा है। चलिए ठीक है आलोक जी, रवि जी बने रहिएगा, लौट कराऊंगा आपके पास। देखिए आज के दिन अब आम जनता का दिन है, आज आम जनता वोट से चोट करेगी या फिर चुनेगी वही पुरानी पार्टी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। निदा बिल्कुल, लेकिन लगातार आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया आपसे अपील कर रहा है कि आप लोग घरों से बाहर जरूर निकलिए और अपने मत का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है और ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। लिहाजा हर हाल में घरों से बाहर निकलिए, वोट डालिए और वोट के प्रतिशत को आप बढ़ाइए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन लगातार महा कवरेज जारी है न्यूज इंडिया पर।